क्या कोरोना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में कोई एग्रीमेंट है कि जहां जहां वो जाएंगे वहां कोरोना नहीं जाएगा? ये तफरियां मारने वाले लोग कोरोना का नाम लेके अब किस तरह की भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं? आप इतनी भीड़ इकट्ठी करके सोलन की जनता को क्यों इस महामारी में धकेल रहे हैं? ये लोगों को बुलाते हैं, कोई आते नहीं। बिना मास्क के रैलियां हो रही है, रैलियों में बिना मास्क के लोग आ रहे हैं। हमारे नेता जब आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जब आते हैं, हजारों की भीड़ आती है, हम नहीं बुलाते किसी को नहीं। हम करें तो पाप, आप करें तो कृष्ण लीला, आप करें तो कृष्ण लीला। उसे जो है चुनाव के दिनों में कई दिनों तक मेरे शहरवासियों को भी हंसाते रहे, मुझे तो बड़ी दया आ रही है, मुझे बड़ी दया आती है। आप पार्टी को जिनको सारा कैंडिडेट भी नहीं मिले और जो बोल रहे हैं कि हम नगर निगम बनाए, इन लोगों से बचे जिन्होंने देश को खोखला किया, सोलन को भी उन लोगों से बचे जिन्होंने देश बेच रहे हैं, देश बेच रहा है। 14 के 14 सीट पर लीड कर रहे हैं, स्वप्न में सरकारें नहीं बनाकर। सोलन के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। ये वोट काटू इनकी जुबान से नहीं बचने वाली है पूरे सोलन शहर में। पिछले 5 साल नगर परिषद में खो खो का खेल चलता है। कहाँ गया पैसा? अपने सिस्टम से आता है, सिस्टम से पैसा का खर्च होता है। 10% वेरिएशन में आकर के जो है ये बिना गांव के लोगों को इसमें मर्ज किए ही नगर निगम बन सकता था, क्यों इन्होंने गाँव के लोगों को इसमें लाया? सोलन के नागरिक जो है वो कह रहे हैं कि नगर निगम हम बनाएंगे। अब बीजेपी नहीं कह रही है कि नगर निगम हम बनाएंगे। एक तो यहाँ पर कोई सार्वजनिक कोई ढंग का कोई टॉयलेट तो बना दीजिए। ये जो पॉलिटिकल टूरिस्ट इस शहर में आए हैं जी, इनकी नींद बहुत हराम होगी, बहुत हराम होगी। 100% रोज पानी आए और मुफ्त में पानी हम जो है सोलन की जनता को मुहैया कराएंगे। पानी एक ऐसी समस्या है, आने वाले दिनों में और विकराल ना हो, आने वाले 50 वर्षों के लिए शहर के लिए पानी की कमी ना आए, इन लोगों से बचे जिन्होंने देश को खोखला किया, सोलन को भी उन लोगों से बचे जिन्होंने देश बेच रहे हैं, देश बेच रहा है। उन लोगों से बचो जो फेंकू व्यक्ति से बचे, पोस्टर बॉय से बचे। शगुफे जो है चुनाव के दिनों में कई दिनों तक मेरे शहरवासियों को भी हंसाते रहेंगे, ऐसे बरगलाए सोलन की जनता को ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम करें तो पाप, आप करें तो कृष्ण लीला, आप करें तो कृष्ण लीला। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबल मची हुई, पूरी तरह से मात खा करके कांग्रेस आज अपने अंतिम क्षणों के लिए वो समय गिन रही है। बताएं और कांग्रेस के साथ ही मुझे बता दें कि कौन सी सीट आपको आने वाली है। आप मुझे बधाई देंगे सोलन नगर निगम के बनाने की कांग्रेस पार्टी को, जवाब बधाई देंगे, मैं तब आपको बताऊंगा कि हमने कौन सी सीटें जीती है। वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 13 से हम जीत कर आपके सामने यहाँ आएंगे। कहीं सोलन निगम में कांग्रेस शून्य पर ना रह जाए। आप इतनी बुरी तरह से वहां से हार के आए हैं, आपको कोई हक नहीं है। सोलन नगर निगम कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है, स्वप्न में सरकारें नहीं बनाती, और आम आदमी पार्टी केवल और केवल ये स्वप्न लेने के लिए माहिर हैं, और ये झाड़ू इनका यहाँ पे चलने वाला। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है, हराम। 14 के 14 सीट पर लीड कर रहे हैं, सोलन के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। हिमाचल के अंदर पहला विकल्प जो है वो आम आदमी पार्टी है, और के जो आम आदमी पार्टी जो आज सोलन में या हिमाचल में होने वाले नगर निगम के चुनाव में जो ये भाग ले रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। ये वोट काटू इनकी जुबान से नहीं बचने वाली है पूरे सोलन शहर में। मेंबर पार्लियामेंट आपके इतने राजनीति में साथी नहीं होंगे जितने मेरे गांव से विधायक और मेंबर पार्लियामेंट बने। लेकिन इनसे तो पूछिए कि कितने कांग्रेस के लोग इन्होंने बाहर कर दिए। आपके जो यहाँ पे साथी हैं जो बड़ी ढींगे मार रहे हैं, उनसे एक सीट जहाँ पे आपकी जमानत जब्त नहीं हो पाएगी। हाँ। देखिए इन्होंने फिर से लोगों के लिए जो है वो लॉलीपॉप फेंक दिया। अच्छा। अब अगर जो दिल्ली में काम हुए हैं लोग तो उस पर भी हंसते थे। अच्छा। कहते ये कैसे होगा, और आप हमारे दिल्ली नहीं। देखिए वार्ड में कितनी वेस्ट लैंड पड़ी है, तो वो पार्क वहीं बनेगा। पार्क कोई हम घर से नहीं या कोई कहीं से नहीं ला के दे।
इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, और घाट घाट के पानी पीने के बाद आज ये आम पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी में गए हैं। इससे पहले ये कई और पार्टी में और कई और नेताओं के आगे भी नाचते रहते थे। पिछले 5 साल नगर परिषद में खो खो का खेल चलता रहा, पानी की सप्लाई। आज सोलन शहर में 5 दिन के बाद, 4 से 6 दिन के बीच में के बाद पानी आता है जी। किसकी मिसमैनेजमेंट है? और हमारे नगरपालिका के अध्यक्ष, नगरपालिका की पूरी टीम पैसे पैसे के लिए तड़पती रही है, ये नालायकी रही है। 3.5 साल 4 साल जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश में रही, और 5 साल जो यहाँ पे नगर परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास रही। पार्किंग की ये व्यवस्था नहीं कर सके, वेंडर्स के लिए ये कुछ और नहीं कर सके। जो पुराना डीसी ऑफिस है उसके नजदीक हमारा रेलवे स्टेशन है जी, और हम आने वाले दिनों में वहाँ पे एक बहुत अच्छी रेलवे स्टेशन के नजदीक पार्किंग बनाने वाले हैं। उस पार्किंग के लिए बजट का प्रावधान, उसका शिलान्यास माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने अपने कर कमलों से किया, तो नालायक नगर परिषद ने, नगर पालिका सोलन ने उसका कार्य आज तक पूरा नहीं किया। कहाँ गया पैसा? अपने सिस्टम से आता है, सिस्टम से पैसा का खर्च होता है। हमने 48 करोड़ रुपया इस शहर के विकास के लिए दिया है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम जी की नेतृत्व में बनी, उस स्पेशल पर्पज व्हीकल को जो है वहाँ पे स्क्रैप कर दिया गया। क्यों? आज की डेट में जो पानी लिफ्ट हो रहा है वो IPH लिफ्ट कर रहा है जी, सप्लाई जो है उसको नगर निगम कर रहा है। 100% रोज पानी आए और मुफ्त में पानी हम जो है सोलन की जनता को मुहैया कराएंगे, और नकम्मे लोग जो ऐसे अभी बैठे हैं वो ना बैठे, तो 100% हम फ्री जो है पानी। एक ऐसी समस्या है, आने वाले दिनों में और विकराल ना हो, आने वाले 50 वर्षों के लिए शहर के लिए पानी की कमी ना रहे। मैं तो केवल इतना अपने जो पॉलिटिकल टूरिस्ट होने के नाते इस शहर में चुनाव के दौरान यहाँ पे आए हैं, तो कांग्रेस के भी हाथ खाली हैं और इनके तो रहेंगे ही खाली। 10% वेरिएशन में आकर के जो है ये बिना गांव के लोगों को इसमें मर्ज किए ही नगर निगम बन सकता था, क्यों इन्होंने गांव के लोगों को इसमें लाया? सोलन के नागरिक जो है वो कह रहे हैं कि नगर निगम हम बनाएंगे। अब बीजेपी नहीं कह रही है कि नगर निगम हम बनाएंगे। एक तो यहाँ पर कोई सार्वजनिक कोई ढंग का कोई टॉयलेट तो बना दीजिए। आप तो सड़कों पे कूड़ा फेंकने वालों में से हैं। हमने तो ये इस देश का प्रधानमंत्री शौचालय बनवाना चाहता है, इस देश का प्रधानमंत्री साफ सुथरा रहना चाहता है। उन प्रधानमंत्री की बात कह रहे हैं कि जब वो जिस देश में जाते हैं उस देश की स्वतंत्रता में वो भाग लेने की बात कहते हैं, जिन्होंने वो स्वतंत्रता में भाग लिया। अभी बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता में भी उन्होंने भाग लिया। इंदिरा गांधी जी ने जो देश अलग किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसकी बात नहीं कही। उन प्रधानमंत्री की बात कह रहे हैं जिन्होंने गैस जो है 435 से लेकर 898 तक पहुंचा दिया, जिन्होंने सरसों का तेल जो 80 रुपए मिलता था 190 रुपए पहुंचा दिया। उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जिन्होंने दालें 100 रुपए से ऊपर कर दी। उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जिसने पेट्रोल जो है 100 रुपए लीटर तक पहुंचा दिया। उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जिसने डीजल जो है 85 रुपए किलो कर दिया। अगर ये शहर को अगर इसमें लाना था, नगर निगम बनाना था, तो उसमें आबादी के कंडीशन के अलावा भी बाकी कंडीशन क्या हम पूरी करते हैं? आप देखिए यहाँ सफाई का हालात देखिए। ये सोलन निगम पहली निगम होगी जो हर घर से कूड़ा उठाने को सुनिश्चित करेगी। सोलन की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को देश से बाहर निकालने का शुरुआत वो सोलन और हिमाचल प्रदेश के चारों नगर निगमों से शुरू कर रही है। इन्होंने हमारा जो मैनिफेस्टो है ना, मैनिफेस्टो ही हाईजैक कर लिया। इस पार्टी का देश में दिल्ली को छोड़ के वजूद नहीं, वो कह रही है कि आपका मैनिफेस्टो हाईजैक कर लिया। ये तो बड़ी खुशी वाली बात है। आपके पास घोषणा पत्र है, आपका मुफ्त कूड़ा कहाँ पे है वो दिखा दें आप, तो मैं मान जाऊंगा। अपने घोषणा पत्र में दिखा दें। मैंने तो ये जुमलेबाजी पहले ही कहा था, प्रधानमंत्री जी की जुमलेबाजी है ये, मोदी जी की जुमलेबाजी। वर्मा जी के पास है क्या? जिसके पास 17 लोग चुनाव लड़ने के लिए ना मिले हो। और कांग्रेस के भाई से इतना पूछना चाहता हूं कि जिनके पास कैंडिडेट बनने के लिए कोई तैयार ना हो, पार्टी टिकट दे रही है और जो टिकट लेने के बाद टिकट हाथ जोड़ के कह रहा है मैं तो प्रचार करूं। थोड़ा नजदीक रखिए माइक। ये दयनीय स्थिति देख के मुझे तो, मैंने तो कहा भी है
कि ये बाय बाय कांग्रेस को यहाँ इस शहर से होने वाली है, इस निगम से होने वाली है। मेरे भाई शांत रहिए और स्वप्न में जीना छोड़िए, हकीकत में आइए। ये जो पॉलिटिकल टूरिस्ट इस शहर में आए हैं जी, इनकी नींद बहुत हराम होगी, बहुत हराम होगी। तो नींद हराम भारतीय जनता पार्टी की इस बात से ही नजर आ रही है। मैंने पहले भी कहा कि अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को पड़ोसी राज्य में जो घटना घटी है उसको देख करके उनकी नींद हराम है, इसलिए वो भागे भागे एक हफ्ते में 15 दिन के अंदर जो है सोलन के लिए जो है तीसरी बार आए। पहले आए, बहुत कुछ दे के आए, सोलन की जनता ने सर आंखों पे बैठाया। आज तक एक पैसा भी दिया हो तो बताएं। आपके मुख्यमंत्री तो प्रपोजल बनाते थे, मेरा मुख्यमंत्री पैसे दिए के बीच में बजट में प्रोविजन है, चेक के साथ पैसे दिए हैं। भ्रष्टाचार का सर, भ्रष्टाचार का स्वर्णिम युग देखेंगे, जिनका नाम इन्होंने लिया, भ्रष्टाचार का स्वर्णिम युग जो है दोबारा सोलन नगर निगम में नहीं आएगा, नहीं आने देगी सोलन की जनता। अभी ये जो हमारे को बोल रहे हैं ना, अभी हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हम गेन करेंगे, दिल्ली जाने वाले हैं। इनका जो है कांग्रेस के भाई अब कहां जाने वाले हैं? आप देखिए, ये कांग्रेस से लड़ाई नहीं लड़ रही है, हमारे से लड़ाई। कमर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में जो बना ये हमारे मुख्यमंत्री ने बनाया। कथेड़ बाईपास 26 करोड़ हमारे मुख्यमंत्री ने दिया, 55 लाख रुपए। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका सोलन मिनी सचिवालय 24 करोड़ रुपए का हमने बनाया, चंबा घाट में विश्राम गृह 7 करोड़ से हमने बनाया। अगर ये ऑनलाइन जब इसको सबमिट करेंगे, ऑनलाइन पास करेंगे, उसके लिए भी तो एक अवधि होगी। हम उस अवधि को कह रहे हैं कि अगर 45 दिन के अंदर जो है नगर निगम के जो अधिकारी हैं उसको पास नहीं करते, इट विल बी डीम्ड एज सैंक्शनड। पड़े मेरी बारी नहीं, इनके द्वारा आगे कांग्रेस जनाब, ऑनलाइन क्या करके देंगे आप? ऑनलाइन सिस्टम होने वाला है, नगर निगम बीजेपी बनाने वाली है। पंद्रह महीने में आप नक्शे पास नहीं किया करते थे, तभी तो आम जनता विश्वास खो बैठी है आपकी पार्टी में। कि जितने भी हमारे से लोग मिल रहे हैं वो ये चाहते हैं कि हम कोई दिल्ली से कोई बड़ा चेहरा यहाँ लाए। आप ये परिहार जी किसको बड़े नेता है, क्या करें? परिहार जी 2 दिन के बाद जो है मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ बुला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और सोलन के हजारों की तादाद में सोलन के जनमानस ने उनका अभिनंदन किया, और जो उन्होंने नायाब तोहफा नगर निगम का दिया है उसको अभी इन्होंने जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दिया है। तो दिल्ली से बुलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गंज बाजार में अगर ये फंक्शन करवाते तो मैं जो है गंज बाजार में आदमी होता, जो गंज बाजार में हम माननीय मुख्यमंत्री की तोहिन नहीं करना चाहते। इनके साथ भीड़ कितनी लंबी चौड़ी भीड़ होती है सर, लेकिन 2 बार यहाँ से देखिए एमएलए जो है वो इनका बन नहीं पाया। मेरा अनुरोध हिमाचल प्रदेश के सो कॉल्ड संवेदनशील मुख्यमंत्री से बात करना चाहता हूँ, सोलन जिला के एडमिनिस्ट्रेशन से बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि क्या कोरोना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में कोई एग्रीमेंट है कि जहां जहां वो जाएंगे भीड़ इकट्ठी करेंगे वहां कोरोना नहीं जाएगा, और जहां जहां वो नहीं जाएंगे, जहां जहां चुनाव होंगे वहां कोरोना नहीं जाएगा? आप इतनी भीड़ इकट्ठी करके सोलन की जनता को क्यों इस महामारी में धकेल रहे हैं? सोलन की जनता को हमारे जैसे छोटे नेताओं के माध्यम से चुनाव करने दो। आपकी कुर्सी 4 साल से पहले जाने वाली है, आप उसकी चिंता में बार बार लोगों को के बीच आकर के भीड़ इकट्ठी करके जो है कोरोना को न्यूनतम ये तफरियां मारने वाले लोग कोरोना का नाम लेके अब किस तरह की भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। ये लोगों को बुलाते हैं, कोई आते नहीं, और हमें उपदेश दे रहे हैं कि इकट्ठे मत करो। और ये हमारे नेता जब आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जब आते हैं, हजारों की भीड़ आती है, हम नहीं बुलाते किसी को नहीं। बिना मास्क के रैलियां हो रही है, रैलियों में बिना मास्क के लोग आ रहे हैं, और वो अभी होली के समय में उससे पहले दिन मुख्यमंत्री आए। यहाँ पे जो साथी राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है और जिन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, अगर उनको किन्हीं कारणों से चुनाव में टिकट नहीं मिला, मौका नहीं मिला, तो वो दमखम के साथ
पार्टी के जो घोषित उम्मीदवार है उनके साथ लगेगी। ये प्रवृत्ति जो है ये कांग्रेस भाइयों की है, जहां पे अनेक उम्मीदवार जो है इनके मानने के बाद भी और इनसे बात करने के लिए और इनकी पार्टी की हेडलाइंस को किनारे रख करके वो चुनाव मैदान में हैं। कुछ लोग पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया है, इनके कैंडिडेट जो टिकट मांग रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। मुझे तो बड़ी दया आ रही है, मुझे बड़ी दया आती है आप पार्टी को, जिनको सारा कैंडिडेट भी नहीं मिले और जो बोल रहे हैं कि हम नगर निगम बनाएंगे। हम जो है कुछ प्रोग्राम करने के लिए कोई पार्टी स्तर पर, पार्टी स्तर पर मैं हम वहां गए और उन्होंने हमारे को वहां से वापस भेज दिया कि कोई सब परमिशन जो है वो बंद है, बाकी दूसरी पार्टियों के लिए बंद है। एडमिनिस्ट्रेशन के हाल और हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाल ये हैं कि जो जिंदगी भर माँ बाप अपने बच्चों की शादी के लिए इंतजार करते हैं कि मेरे बेटे धूमधाम से करूंगा, उसके लिए भी इन्होंने जो है बार लगा रखा है। पर अगर जयराम जी आएंगे तो उसमें 200 250 300 आदमी इतने से हॉल में, सबसे पहला बागी आपका, जो आपका सबसे बड़ा सबसे ज्यादा जिसके ऊपर आपका ट्रस्टी आदमी था, जिसके नाम पे आपने सोलन जिला का मुख्यालय बनाने के लिए जमीन जिसके नाम पे करवाई थी, सबसे बड़ा बागी मनीष जो है वो चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे ढूंढ के भी नहीं मिल रही, आपके चार चार रेबल मैदान में है। आप लोगों का जो भ्रष्टाचार जो है वो छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए जो है, जो उसमें गोलमाल हो रहा था उसको छुपाने के लिए जो उस व्यक्ति को जो है वो पार्टी से बाहर किया। चौहान जी, हमारे सोलन में भारतीय जनता पार्टी का कोई बागी चुनाव मैदान में नहीं है। मैं क्योंकि संगठन का आदमी हूँ और संगठन चार आदमी आपके बागी हैं। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी में? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, चुनावी कबड्डी शुरू हो गई है। हैं? चुनाव और कबड्डी, चुनावी धाम खानी है तो हमारे साथ चल, वरना खुद बनाकर खा या भीख मांग कर खा। Oh, no. भीख तो आजकल नेता लोग मांग रहे हैं वोटों की, और तुम जैसे लोग उनसे भी आस रख रहे हो नोटों की। हैं? अरे छोड़ो, बात ना करो इन लपोटों की, इनके कारण ही जनसेवा राजनीति बन गई खोटों की। बहुत सही खेल गए चाचा।